भारत की अलग अलग चैनलों से कारोबार करने की सुविधा देने वाली कंपनी द न्यू शॉप ने पहली एम्प्लाई टू एंटरप्रेन्योर पहल के विजेताओं की घोषणा की। इस कार्यक्रम के माध्यम से ब्रांड अपने स्टोर मैनेजरों का चयन कर रहा है और उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है ताकि वह अपने करियर की राह में आगे बढ़ सके और स्टोर के मालिक बन सके। यह कदम भारत के आर्थिक विकास में योगदान देने के कंपनी के विजन से तालमेल रखता है। कंपनी के अंदर और बाहर उद्यमशीलता के इकोसिस्टम को बढ़ावा देता है। 15 छात्रों में केवल 2 लोग परस वैद और शशिकांत को ब्रांच मैनेजर बनाया गया जो पूरा स्टोर को संभालने का काम करेंगे। रिटेल इंडस्ट्री में अपनी तरह के पहले प्रोग्राम के साथ कंपनी पारंपरिक मार्ग से आगे बढ़कर अपने कर्मचारियों को भविष्य में कारोबारी बनने के लिए सशक्त कर रही है। दिल्ली से डेली न्यूज ऑनलाइन .in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम एमके भारद्वाज, आई एम दी हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर न्यू शॉप। मेरे सब मेरे फाउंडर मिस्टर चरक हलमास मैं इन्वेस्टर बनी। हम हिंदुस्तान की पहली कंपनी बन गए हैं जो अपने ही एम्प्लॉय को एम्प्लॉय टू एंटरप्रेन्योर मतलब एक आम आदमी को हमने स्टोर मैनेजर से एक स्टोर का ऑनर बनाया है और ये हमें बहुत प्रिविलेज फील हो रहा है। मेरे साथ हमारे इस स्कीम के जो विनर हैं जो क्वालिफाई जिन्होंने किया और जो जिनको हम स्टोर दे रहे हैं वो शशिकांत जिनको हम बनारस का स्टोर दे रहे हैं और पारस जिसको हम नोएडा में इन्होंने स्टोर इन्होंने खुद ही अपनी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया है। सो मेरे साथ मेरे फाउंडर है मिस्टर चरक जो आपको ब्रीफ करेंगे अबाउट दिस स्कीम एंड ये हमारे विनर हैं। नमस्कार, नमस्कार। बेसिक द न्यू शॉप वर्क क्या करती है, किस तरीके से हायर करती है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है, थोड़ा तेज बोलो। तो हमारे कन्वीनियंस रिटेल स्टोर है ऑल ओवर इंडिया जिसमें हम डेली नीड के प्रोडक्ट बेचते हैं जैसे कि ग्रोसरी हो गई, दूध हो गया, ब्रेड हो गई, खाने पीने का सामान जो लोग डेली बेसिस में खरीदते हैं। एंड हमारे अभी पैन इंडिया 100 लगभग स्टोर हो गए हैं। एंड हमारा शुरू से यही मानना है कि रिटेल कंपनी का 50% जो सक्सेस है वो डिपेंडेंट है कि हमारे स्टोर मैनेजर क्या करते हैं, बिकॉज वो ही वहाँ फाइट करते हैं डेली कस्टमर। एंड क्योंकि हमारे स्टोर 24 घंटे खुलते हैं तो काफ़ी स्टोर तो 10-12 घंटे में बंद हो जाते हैं, हमारे 24 घंटे खुलते हैं तो ये लोग 24 घंटे चाहे सो भी रहे हो तो इनका दिमाग वहीं चलता है। सर ये बताइए कि ये जो इनको जो ट्रेनिंग से एज अपना ट्रेनिंग कितने टाइम की ट्रेनिंग दी जाती है और उनके नॉर्म्स क्या दिए जाते हैं? सो हमारी ट्रेनिंग जो होती है हमारा एक ट्रेनिंग स्कूल है जिसमें हम 2 वीक्स की ट्रेनिंग करते हैं जिसमें हम सिखाते हैं कि प्रोडक्ट क्या कैसे रखना है, कैसे बेचना है, कस्टमर को कैसे ग्रीट करना है और जब तक वो स्टोर से ना जाए उसकी हेल्प कैसे करनी है कि वो अब उसकी जो भी ज़रूरत है वो पूरी हो जाए स्टोर में। एंड उसके बाद हम उनको सब सिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी भी कैसे यूज़ होती है हमारी एंड बेसिकली कैसे स्टोर का प्रॉफिट बढ़ाया जाता है। सर ये जो रिक्वायरमेंट आप देते हैं और ये आपके पास कैसे आते हैं और उनको जानकारी कैसे मिलती है सर? सो बेसिकली हम काफ़ी NGO से पार्टनर करते हैं, काफ़ी हम रिक्रूटमेंट कंपनीज से पार्टनर करते हैं एंड हम फ्रेशर्स हायर करते हैं, कभी कॉलेजेस से भी हायर करते हैं और उनको बेसिकली ये ट्रेनिंग देते हैं कि एक रिटेल स्टोर को कैसे चलाया जाता है। तो आपके जो पूरा अम्ब्रेला है आपका जो उसमें कितने प्रकार के स्टोर होते हैं? कितने प्रकार के स्टोर होते हैं? ग्रोसरी है, होममेड है, आर्टिफिशियल है, आर्टिकल्स हैं, क्या है? तो हमारे पास ग्रोसरी होता है, खाने पीने का सामान होता है जैसे कि सैंडविच, बर्गर, कॉफ़ी, चाय, ये सब भी होता है, शैम्पू, पर्सनल केयर के आइटम, टोबैको प्रोडक्ट, जो भी इंसान को चाहिए जिस जगह पे चाहिए वो सब। हाँ जी, तो अब इसमें से कौन कौन लोग हैं आपके जो फर्स्ट प्रायोरिटी के आते हैं, कितने लोग हैं आपके पहले बैच में, कितने लोग? तो हमारे पहले बैच में 15 स्टोर मैनेजर शॉर्टलिस्ट हुए थे जिसमें से हमारे 2 विनर्स हैं जो कि हैं शशिकांत और पारस। तो ये दिल्ली के ही 2 स्टोर संभालते थे एंड इन्होंने एक लास्ट 1 साल में अपने स्टोर को जो स्टोर 5-7 लाख पर मंथ करता था उसको 15-20 लाख तक भी लेके गए हैं अपने ऊपर अपने बलबूते से। एंड अब इन पर हमें भरोसा है कि अब ये नए अपने जो स्टोर होंगे इनको और भी प्रॉफिटेबल बनाएंगे एंड अब इनको सैलरी नहीं प्रॉफिट मिले। तो कौन सी पहले ये है मैंने शशिकांत।
शशिकांत जी बताएं रोल, शशिकांत जी ये बताएं कि आप स्टैंड हो गए हैं, आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को किस तरीके से आप निर्वाह करेंगे और एक मैनेजर की पोस्ट, एक सीनियर की पोस्ट होती है। सर जो मुझे जिम्मेदारी जो मिली है, मैं मेहनत और लगन से और फुल ईमानदारी से काम करूँगा, जिसमें कि मेरा ही प्रॉफिट है और मेरे घर वालों का प्रॉफिट है। जितना मेहनत करूँगा और जितना लगन से करूँगा, ईमानदारी से करूँगा, वो मेरे लिए प्रॉफिट है। मैं चाहूँगा कि आज की डेट में मुझे एक स्टोर मिला है, एक स्टोर का मालिक हूँ और अच्छे से काम करूँ और अपने स्टोर को प्रॉफिट में ले जाऊँ, तो मुझे दूसरा स्टोर मिलने का मौका मिले। सबसे बड़ी चीज़ होती है एम्प्लॉयमेंट जो आपके साथ रहेंगे, उनकी सुरक्षा सिक्योरिटी और उनके साथ पूरा व्यवहार जो आपका होता है, वो किस तरीके से रहेगा कि आगे भी वो आपके साथ कंधे से कंधे मिला के आपका सहयोग करें। सर अपने एम्प्लॉई के साथ एकदम अपने फैमिली के जैसा होगा व्यवहार, जैसे हम फैमिली में ट्रीट करते हैं अपने भाई बहन के साथ या मम्मी पापा के साथ, तो सेम उनके साथ ही ऐसे होगा जैसे हम फैमिली के साथ रहते हैं, खाते पीते उनके साथ। आप कहाँ से आए वैसे दिल्ली के? आपका स्टेट मेरा यूपी का, यूपी से है। हाँ जी, कितना टाइम है यहाँ दिल्ली के, आप इनके साथ जुड़े हैं? सर मैं यहाँ एक साल हो गया, एक साल से मैं जुड़ा हूँ और एक साल से मैं यहाँ काम। आपको जानकारी कैसे मिली इनके पास? सर मैं पहले अभी दूसरे जगह काम करता था, मुझे जो क्रेडिट थी तो मुझे पता चला कि यहाँ स्टोर मैनेजर की हायरिंग चल रही है, इंटरव्यू, फिर मैंने आया यहाँ इंटरव्यू वगैरह किया, बातचीत हुई, फिर मैंने इंटरव्यू पास हुई, फिर मुझे जॉब। और इस कंपनी में जब मैंने स्टोर मैनेजर ज्वाइन किया था, कभी मैंने सोचा नहीं था कि एक स्टोर में मालिक बनूंगा कभी, जो कि आज हम बन गए। पहले ट्रेनिंग आपकी कहाँ पर रही, किस तरीके से? मेरी ट्रेनिंग इस कंपनी में, क्या मतलब एम्प्लॉयमेंट आपके कहाँ पर होगी आपकी? बनारस में सर, बनारस में। बनारस में? यस सर। बनारस में नियर बाबू घर के पास? हाँ सर, मेरे बनारस ही घर है और मैं बनारस में ही बोलता हूँ। बनारस उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, बट हमारे फाउंडर्स ने निकाली है तो उनके लिए थैंक यू, फिर उन्होंने मेरे को ऐसे इस काम में समझा कि मैं आगे बढ़ूँ। डेल चैनल एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी है और यहाँ पर हर विभिन्न प्रकार के कस्टमर आते हैं जो अपनी जरूरत को लेते हैं, तो उनको जरूरत कभी होती है, कभी कुछ ज़्यादा होती है, कभी कुछ कम होती है, तो उन ज़रूरतों को देखते हुए आप स्टोर को किस तरीके से मैनेज करेंगे? जो भी इनको जरूरत होगी उसका मैं पहले से रिक्वायरमेंट रखता हूँ, जो भी इनको जैसे डेली वेजेस का फ्रूट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी जो है मैं अपना स्टॉक अरेंज करके रखता हूँ, इनको कभी शॉर्टेज ही ना। उससे पहले आपने क्या कभी काम किया? पहले रिटेल चेन में था, रिटेल चेन में थे, रिटेल चेन मैनेजर में। तो आपका अब तक का एक्सपीरियंस क्या रहा, कस्टमर के प्रति आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? काफ़ी अच्छा है, फ्रेंडली कस्टमर लगता है, फ्रेंडली कस्टमर लगता है, बहुत सेटिस्फेक्शन है, बहुत जिम्मेदारी समझने में आपका। अप माई रैंक्स गरीब छात्रों को भी दिलाएगी नई उड़ान।